आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 26 जून की शपथ प्रदान की। हर कायदे का फायदा होता है, हर डिसिप्लिन का एक फायदा होता है। जैसे कि आर्मी में भी एक डिसिप्लिन होता है, ऑर्गेनाइजेशंस डिसिप्लिन के हिसाब से ही आगे बढ़ती हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी जब हम जुड़ते हैं, जिसके हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी हमें फायदा होता है जब हम अपने आप को उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलाते हैं। और ये रूल रेगुलेशन है ब्रह्मचर्य के, परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के आचरण में हमें चलना सिखाया है। और ये सुबह के अमृत वेले से लेकर के शाम तक, रात तक, सोने तक का क्या क्या हमारा कार्य है, पढ़ना, पढ़ाना, मुरली सुनना, मेडिटेशन करना, नुमा शाम करना 6:30 से 7:30 शाम को, सुबह अमृत वेला करना 4 से 5 बजे तक, ये सब कुछ हमारे नियम में आते हैं। तो परमात्मा इसी अनुसार आज के वरदान में कहते हैं, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले, फायदा हमें हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भवः। कहा जाता जितना कायदा उतना फायदा, इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो कि मेरे से तो नहीं होता, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। पढ़ाई क्या क्या है, पढ़ाई करना, फिर अमृत वेला सुबह 4 बजे, उसके बाद में 7 बजे मुरली होती है, उसको सुनना, सेवा, ये भी है एक कार्य है सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। मेरा भी ट्राई है कि मेरा अमृत वेला ना मिस हो जाता है मिस, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके मैं अमृत वेला कर पाऊँ। और मुरली बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, मुरली छूटती नहीं है, 100% मुरली सुनते हैं, हो सकता है 1 बारी 2 बारी 3 बारी भी सुने मुरली को रिपीट करके, जिससे कि बुद्धि में हमेशा ज्ञान रहे और हमें ध्यान रहे कि आज परमात्मा ने कहा क्या है, दिन भर उनको कैसे याद करना है। क्योंकि याद करेंगे तो फरियाद करनी नहीं पड़ेगी, और याद से ही हमारे जितने भी विकर्म पाप कर्म वो सारे मिटेंगे। जैसे भगत लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, है ना, सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नहा धोकर के पूजा पाठ करते हैं, तो ये नियम जो कानून है ये भक्त लोग करते हैं, तो हमें तो परमात्मा मिल चुके हैं, परमात्मा धरती पर उतर आ चुके हैं और उन्होंने हमें ज्ञान दे दिया है मुक्ति का, तो हमें तो भक्तों से भी ज्यादा अपने आप को और तीखा और तेज करना चाहिए। फिर परमात्मा कहते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर भगत। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो, ब्राह्मण मतलब लॉ मेकर्स, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, इस सबके लॉ मेकर्स, किसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, मतलब आत्मा हम उत्तम बन जाएंगी। पुरुष आत्मा होती है, उत्तम पुरुष मतलब पुरुषोत्तम। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम अपनी मर्यादाओं में चले, मर्यादा मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो परमात्मा ने बनाए हुए हैं, अगर उनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर देंगे और रावण मतलब काम क्रोध लोभ मोह हमें अपनी तरफ खींच लेगा। आपका अनुभव भी होगा, जिस दिन आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, जिस दिन आप अमृत वेला नहीं करते हैं, जिस दिन आप मुरली नहीं सुनते हैं, उस दिन आपका मन चंचल होता है, इसका मतलब रावण अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक तरफ रावण है और एक तरफ राम है, परमात्मा को राम कहते हैं, रामचंद्र नहीं कहते हैं, रामचंद्र जी देवता थे, लेकिन रामा राम हो गए परमपिता, परमात्मा निराकार। तो ये सारे नियम परमात्मा के बने हुए हैं, इंसान के बने हुए नहीं हैं, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इसका आपको भी इस कायदे का फायदा जरूर होगा। बस संकल्प करें और इसको फॉलो करना शुरू करें। ओम शांति सत्संग।